आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपका मयस्सर नहीं है, और अभी ईद आने वाली है तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको घर में ही, जैसे अभी आज सुबह मेरा मेकअप आर्टिस्ट कह रहा था मैं आपको फेशियल की ज़रूरत है, मैंने कहा भाई घर में मास्क लगा लेती हूँ, घर में कर लेती हूँ चीज़ें, मगर ऑब्वियसली जो सैलून की चीज़ है वो आप घर में 50% 60% तक कर सकते हैं, क्योंकि ना आपके हाथ उतने प्रोफेशनल होते हैं, ना आप वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो आज कोई बात नहीं, 100% नहीं तो हम 90% ही सही, 80-75% ही सही, सैलून के लोगों से ही आपकी मदद कुछ इस तरह करवा रहे हैं कि आप घर में रखी हुई चीज़ें जो आपकी दालें हैं, आपके फ्रूट्स हैं, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मदद से आप अपने चेहरे को तरोताज़ा बना सकते हैं, आप अपने फेशियल्स खुद कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से हम आपको फेशियल्स के तरीक़ेकार बताएंगे, फेशियल्स के जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें आप यूज़ करेंगे, आपके किचन से ही निकाल कर आपको आपकी ब्यूटी का निखार पैदा करेंगे, वैक्स आप अपनी किचन से निकाल के चीज़ों से बनाएंगे, साथ साथ डॉक्टर्स भी आजकल नहीं मिल रहे आपको, डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं मिल रहे, तो आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम है आप चाहें तो हमारे नंबर्स पे अपनी व्हाट्सएप पिक्चर भेज सकते हैं, नहीं तो आप वर्बली भी हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको स्किन की क्या, आपको बालों की क्या प्रॉब्लम है, आपको नेल्स की क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ डॉक्टर भी होंगी और सैलून से पूरी टीम भी होगी जो खुद आपको अपने ऊपर चीज़ें करके बताएगी, ये स्टेप इस तरह होंगे, ये स्टेप इस तरह होंगे, साथ साथ हम आपको प्रेशर पॉइंट्स भी बताएंगे कि जो थकन है, एक नींद ना पूरी होने की वजह से आपके चेहरे पर थकावट है, वो कैसे दूर की जाए, ताकि ये जो डिप्रेशन का दौर चल रहा है ये इसकी वजह से आप ढलक ना जाए बिल्कुल, अब अपना ख्याल रख पाएँ, अपने आप को भी टाइम दे पाएँ।